थोड़ी देर बाद सीमा जब अंतरा के रूम में आई और उसने उसे रोते हुए देखा तो कहने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, कुछ हुआ है क्या, बोलो। सीमा को देख अंतरा जोर जोर से रोते हुए बोली, मॉम मुझे पता है कि पापा उस श्रेया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, वो हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। सीमा ने उसे चुप कराया और रेडी होने के लिए कहा। सीमा के कहने पर अंतरा रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई। रेड कलर के गाउन में उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। अपनी बेटी को देख सीमा खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाई। थोड़ी देर बाद अंतरा के घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई थी। उसने एक्साइटेड होकर खिड़की के बाहर देखा। बाहर सैम गाड़ी में अंतरा का इंतजार कर रहा था। वहीं सीमा ने उससे सैम के बारे में पूछा तो अंतरा अपनी माँ की तरफ देख उससे बोली, मॉम वो सैम है, मेरा फ्रेंड, उसी की वजह से ही मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सीमा ने कहा, ओके बेटा जाओ एंजॉय। अंतरा को देखकर सैम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सैम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाओ ब्यूटीफुल। अंतरा गाड़ी में बैठ सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, बस बस अब हो गया हो तो चले वरना लेट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों पार्टी में पहुंचे। पार्टी काफी ग्रैंड थी। कई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया के लोग पार्टी में मौजूद थे। हालांकि अंतरा की एंट्री ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। सैम और अंतरा पार्टी की चकाचौंध बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी सैम ने धीरे से उससे कहा, अंतरा इस पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में तुम ऐसी ही कई बड़ी पार्टीज में शामिल होगी। देखो इन लोगों को कैसे तुम्हें ही देख रहे हैं, आफ्टर ऑल तुम ही तो इस पार्टी की असली रौनक हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, अंतरा ने जवाब दिया। पार्टी में जो सबसे ट्रेंड टॉपिक था वो था सिद्धार्थ रॉय। हर जगह उसी की ही चर्चे थे। उसके बारे में सुनकर एक बार फिर अंतरा ने मिस्टर रॉय के बारे में सवाल किया, ये सिद्धार्थ रॉय कहाँ है? इससे पहले कि सैम अंतरा से कुछ कहता, उसी वक्त पार्टी का माहौल थोड़ा बदल गया। चार लोग बॉडीगार्ड के कपड़े में अंदर आए। उनके साथ एक और शख्स था जिसने ग्रे कलर का सूट पहना था। वो किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहा था, हाँ सर आप आ सकते हैं, सब ठीक है यहाँ। इतने में बैंक्वेट के बाहर ब्लैक कलर की चमचमाती हुई एक बड़ी सी BMW एंट्रेंस डोर के सामने आकर रुकी। उस वक्त पार्टी में सबकी नजरें वहीं अटकी हुई थी कि आखिर उस गाड़ी से कौन बाहर आएगा। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में से एक टॉल एंड हैंडसम सा आदमी बाहर निकला। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों का ध्यान उसी शख्स पर था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ रॉय था। उस शख्स के ठाट बाट देखकर अंतरा सैम से पूछने लगी, सैम ये कौन है जिसने पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और इसका रौब देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसकी बात सुनकर सैम थोड़ी देर तक उस आदमी की तरफ बड़े ध्यान से देखकर बोला, अंतरा आज तुम पूछ रही थी ना कि जिस मिस्टर रॉय के बारे में, वो यही है। अंतरा हैरान होकर बोली, व्हाट? सिद्धार्थ के आते ही सारे मीडिया वालों ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे, और एक मीडिया पर्सन ने कहा, सो मिस्टर रॉय फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया, इतने वक्त बाद आप इंदौर आए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सिद्धार्थ ने उस सवाल का जवाब देते हुए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। काफी लंबी बातचीत के बाद सिद्धार्थ का असिस्टेंट विकी मीडिया को साइड कर उसे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने लगा। वहीं अंतरा और सैम दोनों दूर बैठे नजर आ रहे थे। सैम और अंतरा को देखकर मिस्टर बख्शी उनके पास आए और दोनों को देखकर कहने लगे, हे बोथ ऑफ यू, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था, आइए मैं आप दोनों को मिस्टर रॉय से मिलवाता हूँ, प्लीज कम। मिस्टर बख्शी ने सैम और अंतरा को सिद्धार्थ से मिलवाया और अंतरा को अपने प्रोजेक्ट मॉडल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। वहीं सिद्धार्थ ने अंतरा को 2 मिनट तक देखा और फिर कुछ देर बाद बोला, हे अंतरा, और फिर दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। सिद्धार्थ ने अंतरा को देखकर कहा, सो मिस अंतरा, मिस्टर बख्शी की चॉइस काफी अच्छी है, मैंने सुना है कि तुम मॉडलिंग करती हो, जहां तक मुझे पता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए अंतरा उससे बोली, मैंने अभी मॉडलिंग शुरू की है। धीरे धीरे पार्टी से सारे मेहमान कम होने शुरू हो गए थे। अंतरा सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, सो मिस्टर रॉय आई शुड टेक माई लीव नाउ।
सिद्धार्थ उसकी जाने की बात सुन उसे रोकते हुए बोला, अंतरा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, काफी देर हो गई है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट कॉल मी मिस्टर रॉय, ओके, जस्ट कॉल मी सिद्धार्थ। ये सुन अंतरा मुस्कुराते हुए उससे बोली, इट्स ओके सिद्धार्थ, सैम विल ड्रॉप मी, ओके देन बाय। थोड़ी देर बाद अंतरा को घर छोड़कर सैम अपने घर चला गया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।